स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ओके, तो आगे की वीडियोस में हमने कितने लेटर सीखे, क से लेके ध, ध से धनुष। ओके, तो हमने क से लेके ध से धनुष तक लेटर कंप्लीट किए, तो अब हम रिवीजन करेंगे। ओके, तो जितने भी लेटर्स हमने सीखे उसका अब हम रिवीजन करेंगे कि कितना हमें याद रहा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। वन, क्वेश्चन नंबर वन है, प्रत्येक चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो, मतलब जॉइन ईच पिक्चर विद द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो यहाँ पे हमें लेटर दिए हैं बीच में, ओके, और यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं, मतलब जो भी पिक्चर्स है उनमें से मतलब जो भी उसके नाम है वो कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं, उसके फर्स्ट लेटर जो भी, मतलब यहाँ पे छ है तो छ से कौन सा लेटर स्टार्ट होता है, उनमें से ये पिक्चर कौन सा है, तो छ से कौन सा स्टार्ट होता है, छ से छकड़ा, तो ये छकड़ा है तो उसे हम मैच करेंगे। ओके, इसी तरीके से हमें ये बाकी के कंप्लीट करने हैं। तो ये हुआ छ से छकड़ा। फिर है ग, तो ग से कौन सा स्टार्ट होता है पिक्चर में, यस, ग से गमला, तो वो हम मैच करेंगे। फिर है ख, तो ख से क्या स्टार्ट होगा, यस, ख से खटिया। ओके, फिर है ज, तो ज से झरना। फिर है घ, तो घ से घड़ी, तो वो हम मैच करेंगे। फिर है ज, तो ज से जलेबी, ओके, तो वो हमने मैच किया। फिर है त, तो अभी को कितने पिक्चर्स बचे, 1, 2, 3 and 4, तो त से तराजू, तो वो हम मैच करेंगे। फिर है क, क से कछुआ, ओके, तो वो हम मैच करेंगे। फिर है ट, तो ट से क्या होगा, टम टम, ट से टम टम। फिर च से चरखा। ओके, तो ये जितने भी लेटर्स थे उसको हमने मैच कर लिए पिक्चर्स के साथ, कि जो भी पिक्चर्स के नाम थे वो इस शब्द से स्टार्ट होते थे। ओके, फिर हमारी नीचे की एक्सरसाइज है, चित्र देखो, उसके नीचे लिखा हुआ शब्द पढ़ो और उसमें छुटा हुआ अक्षर लिखो, मतलब लुक एट द पिक्चर, रीड एंड अंडर राइट वर्ड एंड राइट द मिसिंग लेटर। यहाँ पे हमें पिक्चर के साथ उसके नेम भी दिए हैं। ओके, तो फर्स्ट लाइन में हमें सबके नेम दिए हैं, लेकिन नीचे की लाइन में इनकम्प्लीट वर्ड्स है ना, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट वर्ड्स है ना, उसको हमें कंप्लीट करना है, मतलब जो भी मिसिंग लेटर है ना उसको हमें लिख के और इन वर्ड्स को हमें कंप्लीट करना है। जैसे ये स्टार्ट हुआ घोड़ा, मतलब घ से, ये घ से स्टार्ट होता है ना, घ से घोड़ा या फिर घ से घर। ओके, तो यहाँ पे घोड़ा लिखा है और यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, घ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घ, तो ये बन गया हमारा पूरा। फिर घर, तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, राइट, घर, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे घ। फिर है थर्मस, और यहाँ पे सिर्फ दिया है लास्ट टू लेटर्स, ओके, तो आगे वाला मतलब थ मिसिंग है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे थर्मस। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर है ठठेरा, तो हम कंप्लीट करेंगे ठठेरा। धनिया, धनिया, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ध, तो ये बन गया धनिया। फिर है छतरी,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे छ और बन गई छतरी। फिर ये पिक्चर है कबूतर, तो यहाँ पे मिसिंग है क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क, बन गया कबूतर। फिर है जग, मिसिंग लेटर ज, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा ज। फिर है चपरासी, चपरासी इसे क्या कहते हैं, चपरासी, तो यहाँ पे लेटर कौन सा मिसिंग है, वेरी गुड, च, तो यहाँ पे हम लिखेंगे च। फिर है बटन, तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, यस ट, तो लिखेंगे ट, बटन, ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, फिर है कलर्स, तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, यस फर्स्ट क, तो ये बन गया कलर्स। फिर है गणपति, तो यहाँ पे कौन सा लेटर मिसिंग है, फर्स्ट राइट ग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गणपति, ग लिखा और ये हमारा वर्ड्स कंप्लीट। फिर है जरोखा, तो यहाँ पे मिसिंग लेटर है राइट ज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज। फिर है खरल, इसे क्या कहते हैं, खरल, मिसिंग लेटर ख और ये बन गया हमारा खरल। फिर है खरगोश और यहाँ पे नीचे मिसिंग है ख, लिखेंगे हम ख, ओके, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। फिर हमारी नेक्स्ट है खाली जगहों में छुटा हुआ वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। ओके, मतलब यहाँ पे हमें राइट द मिसिंग लेटर इन द ब्लैंक्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दिए हैं और ऑप्शन में हमें टू लेटर दिए हैं, मतलब जो भी लेटर यहाँ पे हम, मतलब जो भी वर्ड्स परफेक्टली बैठता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है ब ब्लैंक री, तो ऑप्शन में हमें टू दिए हैं लेटर, क या तो फिर फ, तो यहाँ पे कौन सा लेटर अच्छा मतलब बैठेगा इसमें, ब क री या ब फ री, तो इनमें से कौन सा लेटर सूट हो रहा है, मतलब कौन सा वर्ड्स बन रहा है, ब क री या ब फ री, राइट बकरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब क री। फिर सेकंड है ब त, ब त, उसके बाद क्या आएगा, ख या क, ब त ख या ब त क, राइट ख आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ख। फिर है भ ब्लैंक त, तो क्या आएगा, भ ग त या भ ज त, इसमें आएगा ग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग। फिर है भ ब्लैंक न, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, भ क न या भ झ न, राइट झ, तो ये बन गया लेटर भ झ न, ओके। फिर है प ब्लैंक डी, तो प झ डी या प ग डी, यस आएगा ग, प ग डी। फिर है ग ब्लैंक दन, ग न दन या ग र दन, इसमें आएगा र, तो ये बना लेटर गर्दन। फिर है क ब्लैंक स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ल या ज,
कलर्स या कजल. यस, इसमें आएगा ल, क्योंकि ये बन रहा है क ज स और ये है क ल स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ल. फिर है ब ब्लैंक न, ब ट न या ब ठ न, यहाँ पे आएगा ट. ओके, तो यहाँ पे हमने सही जो भी लेटर बैठ रहा था वो हमने ब्लैंक में लिख दिया और ये वर्ड्स बन गए बकरी, बतख, भगत, भजन, पगड़ी, गर्दन, कलश और बटन. ओके, अब हम नीचे नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. तो यहाँ पे है चित्र देखो और उसके नाम का पहला अक्षर लिखो. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम. तो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए हैं बहुत सारे, उसके हमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिखना है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, यहाँ पे घर का पिक्चर है तो घ से घर, तो वैसे ही कमल तो क से कमल, ध तो ध से धनुष, जहाज तो झ से जहाज. फिर है थन तो थ से थन. फिर ये है दर्जी तो द से दर्जी. टमाटर ट से टमाटर. ये है खरगोश ख से खरगोश. फिर है तबला त से तबला. झंडा तो ज से झंडा. गधा ग से गधा. फिर है चम्मच च से चम्मच. ओके, तो यहाँ पे हमने पिक्चर पहचान के उसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर लिख लिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्दों में से क ठ ड ण द और ध वर्णों को पहचान कर उन पर सर्कल बनाओ. मतलब यहाँ पे हमें दिए है क ठ ड ण द और ध, यहाँ पे हमें 6 लेटर दिए हैं. ओके, तो मतलब यहाँ पे क दिया है तो यहाँ पे जितने भी क है ना इन शब्दों में वहाँ पे हमें सर्कल करना है. और यहाँ पे ठ दिया है तो यहाँ इन बॉक्स में जितने भी ठ है उस पे सर्कल, यहाँ पे ड वाले पे ण द और ध. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क वाला. ओके, तो इसमें जितने भी क है ना उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे. तो फर्स्ट है करम तो इसमें क फर्स्ट. ओके, फिर है रकम तो यहाँ पे है बीच में क तो उस पर हमने सर्कल किया. फिर है न म क लास्ट में क. ओके, इसी तरीके से आपको क वाला कंप्लीट करना है. फिर है ठ, अभी मैं आपको इनमें से सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल दूंगी, बाद में बाकी का आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है. ओके, तो यहाँ पे मैं ठ तो ठ में ठ ग तो यहाँ पे ठ है तो उसके ऊपर हम करेंगे सर्कल. फिर है म ठ तो यहाँ पे है ठ तो यहाँ पे सर्कल. फिर है पा ठ क तो बीच में ठ है तो यहाँ पे किया सर्कल. ओके, मतलब इन वाले में जितने भी ठ है ना वहाँ पे हमें सर्कल करना है और यहाँ पे जितने भी क है वहाँ पे सर्कल करना है. फिर है ड तो यहाँ पे फर्स्ट है पे ड तो ड पे आएगा सर्कल. फिर है ल ड का तो बीच में ड है तो वहाँ पे हम करेंगे सर्कल.
फिर है पहाड़, तो यहाँ पे ड है, वहाँ पे किया सर्कल हमने, ओके। तो यहाँ पे जितने भी है ड, वहाँ पे आपको सर्कल करने हैं। फिर है अण, ओके, तो गणपति, तो यहाँ पे ण है, तो वहाँ पे हमने किया सर्कल। फिर है बाण, तो यहाँ पे लास्ट में ण है, तो वहाँ पे हमने किया सर्कल। फिर है किरण, तो यहाँ पे ण है, तो यहाँ पे भी हमने किया सर्कल, ओके। फिर है द, तो यहाँ पे जितने भी द है वहाँ पे हमें सर्कल करना है, तो है दरवाजा, दरवाजा, तो यहाँ पे फर्स्ट द है, तो यहाँ पे हमने किया सर्कल। फिर है सरहद, सरहद, तो यहाँ पे लास्ट में द है, तो यहाँ पे हम करेंगे सर्कल। फिर है दरबार, तो यहाँ पे फर्स्ट द है, यहाँ पे हमने किया सर्कल। तो यहाँ पे जितनी भी द है ना, वहाँ पे आपको सर्कल करना है। फिर है ध, इधर, तो यहाँ पे ध वाले पे सर्कल करना है। फिर है धनेश, तो यहाँ पे इस ध पे आएगा। फिर है धरती, तो यहाँ पे भी है ध, ओके। तो जैसे मैंने आपको सभी में एग्जांपल, 3-3 एग्जांपल दे दिए हैं, उसी तरीके के आपको बाकी के कंप्लीट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे जितने भी पिंक वाला बॉक्सेस जितने भी है, उस वहाँ पे आपको क वाले जितने भी है, क वहाँ पे सर्कल करना है। यहाँ पे स्काई कलर है, तो वहाँ पे आपको ठ लेटर, जितने भी ठ है वहाँ पे करना है सर्कल। यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे ड, ये ड, जो जितने भी ड है वहाँ पे आपको सर्कल करना है। ये वाले पे आपको ण पे सर्कल करना है। फिर यहाँ पे द वाले पे सर्कल, और ये लास्ट में द वाले पे सर्कल, ओके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ, मैच द सेम लेटर, मतलब हमें जो भी सेम सेम लेटर है ना, वहाँ पे उसे हमें मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है क से, क हमने मैच किया, ओके। तो अब हम करेंगे ख, नेक्स्ट है ख, तो यहाँ पे ख कहाँ पे है, यस, यहाँ पे, तो वहाँ पे हम मैच करेंगे। फिर है ग, ग से गमला। फिर है ग, तो वो यहाँ लास्ट में है, घ से घर। फिर है च, च से चम्मच, साथ में बोलना भी है आपको। छ, छ से छाता, ओके। फिर यहाँ पे है ज, तो यहाँ पे ज कहाँ पे है, लास्ट में, ज से जहाज। फिर ये है ज, ज से झरना। फिर है ट, ट से टमाटर। फिर है ठ, ठ से ठठेरा। फिर है ड, ड से डमरू। ढ से ढक्कन। फिर है ण से फण। त से तराजू। थ से थर्मस। द से दरवाजा। और लास्ट है ध से धनुष, ओके। तो यहाँ पे हमारे क से लेके ध तक के लेटर कंप्लीट हुए, ओके। तो ये आपको अपनी सभी नोटबुक में लिखना है। और फिर नेक्स्ट और हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो यहाँ पे हमें क से लेके लास्ट में हमें दिया है ध तक, ओके।
तो हमें क से लेके ध तक जितनी भी लेटर हमने सीखी ना, क से लेके ध तक, वो यहाँ पे हमें ट्रेस करना है और बाजू में जो बॉक्स दिए है वहाँ पे हमें खुद से लिखना है। ओके, तो मैं अभी आपको एक वन वन एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि क से कमल, ख से खरगोश, वैसे ही आपको यहाँ पे बाद में लिखना है कि क से कमल, ख से खरगोश। ओके, तो ये वाला पेज आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आज का हमारा रिवीजन वन कंप्लीट हुआ, जो कि हमने यहाँ पे सीखे थे क से लेके ध, मतलब क से कमल और लास्ट हमारा लेटर है ध से धनुष। ओके।